जी मैं इधर आ गया, देखिए आप घोड़े लेने पेट्रोल पे आ गया जी, चलिए हूँ। ये देखिए जी फिजान, ठंडा ठंडा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वीडियो मास्टर स्टार। व्यूअर्स, बच्चे जो हैं ये स्कूल से आ चुके हैं और मैं और इसकी मामा जो हैं वो डॉक्टर के पास गए थे, तो खाने भरने में अभी थोड़ा लेट है, तो हम कह रहे हैं नान पकोड़े वगैरह ले आते हैं तो वो खा लेते हैं। तो जमान ठीक है, आप खा लोगे नान पकौड़े? खा लोगे? क्यों यार, नान टिक्की खा लो तो फिर की लेके आवा। माश की दाल? तो तुम नान टिक्की नहीं खाओगे? अच्छा, और इसके अलावा इधर से क्या मिलता है? चलो मैं माश की दाल ढूंढता हूँ, ठीक है? तो मसूमा आप तो खा लोगी ना? आपने क्या बेसन वाला नान खाना है? इसको बेसन वाला नान तेरे वास्ते मेनू यार उत्थे अगे जाना पैना है टिड्डिया। ओ मुक्के ना मेरे ढिड्ड च मार यार। ਆਉ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਆਟਾ ਲਿਆਣਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਕਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਜੀ ਚਲੋ 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 ਔਰ ਜੀ ਸੇਕ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੇਕ ਮਾਰੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਲੈਟਸ ਗੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਟਿੱਕੀ ਆ ਪਕੌੜੇ ਲੈਣੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੋ ਕੇ ਆਇਆ। हाँ जी ठीक है, टिक्कियाँ भी है, मिर्च भी नहीं करेंगे। पकौड़े वाले को कह दिया और वो बना देगा। मैं आगे से जमान की जो है जो उसने फरमाइश की है दाल माश को लेने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो रहा है। उधर सामने पेट्रोल पंप है, उधर तक पहुँच जाए बस। हाँ जी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पे आ गया जी, चलिए हूँ। खान की लेली दाल माश और रोटी। मैंने यहाँ से ले लिए पकौड़े और अब जाने लगा हूँ। ले जी मैं अब आ गया हूँ घर। ओए होए आटा तो याद ही नहीं दिया। चलो हम फिर आप बच्चों को पहले रोटी दिए स्कूलों आए ना। जमान जी माशाल्लाह से स्टडी कर रहा है जी। जमान कौन सा होमवर्क कर रहे हो? मैथ्स। ये होमवर्क है? नहीं रफ वर्क कर रहा हूँ। अच्छा रफ वर्क है, ठीक है दिखाओ। अभी तो एक ही क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन है? अभी अभी शुरू किया। अच्छा चलो शाबाश, जल्दी से कर लो। जमान ऐसे क्यों कॉपी रख के पढ़ रहे हो? ऐ कोई तरीका पढ़ने का? हाशिम जी की खा रहे ने। और ये फिंगर पे क्या हुआ है? दरवाजे में उंगली आई है? अच्छा ओए जूस भी है? तुम्हारा तो अभी गला खराब है और तुम जूस भी और चिप्स भी खा रहे हो। लाओ मुझे दो, बच्चे नहीं ज्यादा खाते। व्यूअर्स बच्चे नु ठग मारन दा अपना ही मजा है। आप लोगों में से किस किस ने बच्चों को ठगा? कभी बच्चों की चीज खाई है कभी? हाशिम आप क्या कहोगे मेरे सब्सक्राइबर्स को? सब्सक्राइब कर दें व्यूअर्स फटाफट से मेरे चैनल को। मैं अभी इधर आटा लेने आया था। ले जी अब इधर प्रेशर कुकर के रबड़ की कटाई हो रही है। आप लोगों को जैसा का पता है मेरी जैसे वीडियोस में आप लोग देखते हैं, हमारा प्रेशर कुकर के रबड़ का काम है। तो आप लोगों ने अक्सर मेरे ब्लॉग में बनते हुए भी देखे हैं, तो मैंने स्पेशल वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं इसकी कि ये किस तरह बनते हैं। अभी यहाँ पे इधर इनकी कटिंग हो रही है। नहीं जी अब मैं आ गया हूँ कराची गुड्स के अड्डे पे माल बिल्टी करवाने। नहीं भाई माल वगैरह बिल्टी हो गया, अब घर वापसी के लिए जा रहे हैं। चलो जी घर आ गए। जमान शहजादे ये देखो, जो तुम उस दिन कह रहे थे ना कि पापा वो नहीं आप लेके आते, वो मिला मुझे, मैं लेके आया हूँ। अच्छा ये वो
वाला जो रिंग होती है उसे ऐसे खाते हैं। हाँ जी, ये देखें जी, ये सामान बचपन में मैं इसको ला के देता था। ये रिंग अंगूठी बनी होती है और उसके ऊपर ये स्वीट होती है। ये टैब पे क्या देख रही हो जी? ये क्या आईफोन देख रहे हो? बस देखो टाइम भी होने वाला, बस 10:15 हो गए हैं। अब ये खा के ना तो अपनी सोने की तैयारी करो, ठीक है? ले जी, अब मैं नेक्स्ट डे में ब्लॉग बना रहा हूँ। और सुबह थोड़ा काम था, वो उधर मैं गया हुआ था एक जगह, और अभी आया हूँ। बादल जो है गरज रहा है और जो है ये बारिश भी स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप रही है 2 दिन, और उसके बाद जो है काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। अच्छा व्यूअर्स, बहुत कम बारिश हुई है, और जो बारिश के कतरे गिरे थे ना तो ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, और फिर जो खुशबू आई ना मिट्टी की, ओए होए होए क्या खुशबू थी। फिजान में खुद धुआना ले के आ गया। मीठा है ये देखिए जी फिजान, ठंडा ठंडा, नहीं नमक रहने दो, नहीं ठंडा ठंडा तरबूज, यानी कि पंजाबी जो दवाना ले के आया है। क्या मज़ेदार मीठा खा के वेखने हैं, बहुत ही मीठा भी और ज़बरदस्त। हाशिम हाशिम देखिए मेरे लिए चेरीज लेके आया है, हैं हाशिम? ये बेटा अभी मैं दवाना खा रहा हूँ, दे मुझे मेरे। आप खा लो, खाओ सही, तुसी तो खाते ही नहीं बगैर तो। मिठू भी बाहर आ गया हवा खान वास्ते। ले जी व्यूअर्स, हमारे दाल चावल बन चुके हैं। जमान बहुत एक्साइटेड है दाल चावल खाने के लिए। स्कूल से आके दाल चावल घर में बने हो तो फिर बहुत दिल करता है कि फौरन से जल्दी से दाल चावल खाएं। जी मैं ज़रा डालूं दाल चावल मज़े मज़े के। दाल चावल किस किस को पसंद है ज़रा कमेंट में बताइएगा मुझे। अब इसके ऊपर आएगी जी दाल मज़े मज़े की, बहुत ही यमी। बारिश इतनी ज़्यादा हुई नहीं है और तूफ़ान भी नहीं आया इतना ज़्यादा, तो जी लाइट वालों ने जी लाइट बंद की हुई है। अब हम जी इनको करते हैं मिक्स। यमी यमी, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है व्यूअर्स। आ जाओ बेटा मासूमा, खाना रेडी है। बाहर देखते हैं जी क्या सूरत हाल है। बादल जो है ये तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, और वेदर जो है ये ठंडा, क्योंकि आज धूप जो है ये नहीं ज़्यादा देर निकली, इस वजह से जो काफ़ी बेहतर मौसम है। का बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, इतना अच्छे अच्छे जो है इस पर कमेंट करते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे तकरीबन 1 साल हो गया प्रॉपर व्लॉगिंग करते हुए और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हुए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मेरे व्लॉग जो है बहुत अच्छे होंगे और इससे भी ज़्यादा। और बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग मेरे से कनेक्टेड रहे, और जो मेरे ब्लॉग को जो न्यू जो लोग हैं वो देख रहे हैं तो वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी मेरे यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाएं। ये देखें मैं अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो ऑडियंस जो है मुझे देख रही है, वो देखें ऊपर देखें, क्या अपना ऊपर तो मौजूद है। ये है किसान, आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते हैं, शूटिंग चल रही है ऊपर, ये शूटिंग देख रहा है जी। जमान भी अभी इधर ही था तो वो अंदर गया हुआ है, तो नेक्स्ट मेरे चैलेंज के भी ब्लॉग जो हमने डिसाइड किए हुए हैं वो भी करेंगे, वो भी आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा देखने का। एक और बात व्यूअर्स, आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं कौन से सिटी में जाके ब्लॉगिंग करूं, और जो कोई बहुत ही स्पेशल सिटी है, वैसे तो हमारे मुल्क के सारे जो शहर हैं वो बहुत स्पेशल हैं,
तो इंशाल्लाह सारे शहरों में जाके मैं ब्लॉगिंग करूँगा। बस आप लोगों का साथ मेरे साथ यूँ ही चलता रहे, तो मैं जाके ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगा। व्यूअर्स जो मेरे पुराने ब्लॉग हैं उनको भी आप देखें, उसमें मरी के ब्लॉग्स हैं और सवाद के, कलाम के, और बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ हैं। आप लोग वो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा आज का जो रूटीन का ब्लॉग है ये यहीं पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत मज़े का होने वाला है, तो मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।